हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्सेशन. हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी, भारत में ही नहीं बट वर्ल्ड की भी एक बहुत बड़ी ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर, जो कि बहुत बड़े रूप से इंडिया और इंडिया के बाहर बिजनेस करते हैं. मैं बात कर रही हूँ मदरसन सुमी, और उनके चेयरमैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर विवेक चांद सहगल. थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ बात करने के लिए. सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आपके 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इस साल, और आपने शेयर होल्डर्स को भी इसका रिवॉर्ड दिया है बोनस के रूप में. बताइए कैसा रहे ये 25 इयर्स, और कैसे आपने इतनी सक्सेस देखी है इन 25 सालों में ही. जिस तरह से आपने बिजनेस को ग्रो किया है, जैसे एक्सपैंड किया, इट हैज़ बीन वेरी वेरी फिनोमिनल एंड कमेंडेबल जॉब. नहीं, थैंक यू वेरी मच. 25 साल कैसे गुजर गए मालूम नहीं पड़ता, बट हम लोग के लिए एवरी सीक्वेंस जो हम लोग के साथ में हुआ, जो हम लोगों ने किया, जो हमारे कस्टमर्स ने हमारे को हेल्प करी, और जो हमारे लोगों ने मिल के कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया, उसके लिए उन सबको और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल माय टीम. 25 साल के अंदर में हम लोग एक वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बने. वहाँ से हम लोग प्लास्टिक्स में गए. प्लास्टिक्स के अंदर में आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं आज की डेट के अंदर. तो ये जो एक जर्नी है हमारी, वो लोगों के मन में है कि खाली हम लोग शायद एक या दो पार्ट्स में ही हम लोग हैं. हम लोग आज की डेट में कहने करते भी तो 2500 से ऊपर पार्ट्स बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. 41 कंट्रीज़ के अंदर में हम लोग अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं. तो एक बहुत मज़ेदार जर्नी थी और बहुत ही एक्साइटिंग है. बहुत एक्साइटिंग, बहुत चैलेंजिंग भी रही, फिर भी आपने अच्छे से उसको. अब जो हम टाइम्स में हैं जहां हम इतना वॉलीटिलिटी देखते हैं मार्केट्स की, जनरली मूड भी बड़ा थोड़ा सबड्यूड ही हम कहेंगे, ग्लोबल भी इंडिया में भी, इस वक्त कैसे आप डील करते हैं इन चैलेंजेस को, जो कि डिमांड को क्लियरली इम्पैक्ट करता है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन करना चाहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट्स. फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रेड वॉर्स की बात करें, प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड देख रहे हैं कई कंट्रीज के, कैसे उनसे आप डील करते हैं, क्योंकि आपका यू नो केवल 8% मार्केट इंडिया में है, बाकी पूरा बाहर. ऐसा है कि अगर आप कार मेकर के साथ में, ऑटो कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई मार्केट को देखने की जरूरत नहीं. अब आप देखिए पिछले 25 साल में हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया इस दुनिया में, क्या क्या गलत नहीं हुआ इस दुनिया में, पर तब भी हम लोग 7000 गुना हम लोग ग्रो कर चुके हैं. सो हम लोग जब 93 के अंदर में लिस्ट किए थे तो करीब करीब $2.5 million के करीब थे, या समझिए 17-18 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर था. आज की डेट में हम लोग 70,000 के करीब करीब आ गए, तो ऑलमोस्ट अबाउट 5-7,000 टाइम्स हम लोग ने ग्रो किया है. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे को कि अपने जो हमारा कस्टमर है, मेन कस्टमर है, उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ में उसकी प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोगों ने रिजॉल्व करना है. 1997 के अंदर में मदरसन ने एक विजन जारी करी थी, जिसके अंदर में उन्होंने लिखा था टू बी अ ग्लोबली प्रेफर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर. तो हम लोग पिछले 25 साल में कुछ और नहीं कर रहे, खाली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जितनी भी ये डिस्टर्बेंस है, जितना भी ये डिसरप्शन है, वो हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को हमारे को ज्यादा देता है. वी गेट मोर अपॉर्चुनिटी. बट यू जनरली थिंक दैट द डिमांड फॉर कार्स एंड दीज प्रोडक्ट्स एंड जनरल सेल्स इज नॉट गोइंग टू कम, मतलब ये अच्छा स्ट्रांग रोबस्ट रहेगा इन अ वर्ल्ड जहां हम बात कर रहे हैं कि कनेक्टेड कार्स होंगे, इलेक्ट्रिक कार्स होंगे, तो ट्रेडिशनल कार से चेंज होके ओला उबर्स आ रहे हैं. सो आई एम जस्ट आस्किंग कि इसकी वजह से गाड़ी ला रहे हैं. हाँ, सो उस ये जो एक जनरली सेंस बन रहा है कि आगे डिमांड इतना रहेगा कि नहीं रहेगा गाड़ी, कंट्रीज भी इन्वायरमेंट की तरफ काफी कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उससे कुछ आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स? देखिए ये प्रॉब्लम्स जो आप बोल रही हैं आज की नहीं है, ये काफी दिनों से ये चल रहा है. पिछले 60 साल से आप देखिए गाड़ी वर्ल्ड की कार प्रोडक्शन जो है
वो बढ़ाई है, सेल्स बढ़ाई है, घटा नहीं है. तो इसलिए मेरे को एक साल बताए, इवन लीमन क्राइसिस के अंदर में ग्लोबल प्रोडक्शन, तो ये हम लोगों के अंदर में लगता है क्योंकि हम लोग जरा सिटी के लोग हैं, थोड़ा सा इस तरह से सोचते हैं. बट प्लीज बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है. देर आर पीपल हु डोंट वॉन्ट टू बाय द कार, इट्स ओके, बट देर आर सो मेनी मोर हु आर बाइंग. एक मैं बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी और टेलीफोन में बहुत फर्क है. टेलीफोन के अंदर में डिस्ट्रप्शन जो आप सोच रहे हैं हो सकते हैं, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, गाड़ी में नहीं. गाड़ी के अंदर में आपके जो लव्ड वंस हैं वो चलते हैं गाड़ी के अंदर में, आपकी फैमिली जाती है गाड़ी में, आपके फ्रेंड्स, आप खुद चलते हैं गाड़ी के अंदर में. तो उसके अंदर में इतना डिस्ट्रप्शन लाना इतनी जल्दी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. जितने भी कंसल्टेंट्स हैं ग्लोबली, दे हैव ऑल सेड 2040, 2045. तो अभी तो और इंडिया ने भी मान लिया 2030 तक तो कुछ कहीं जा नहीं सकता. तो इलेक्ट्रिक पे भी मुझे बात करनी है और समझना है आपकी क्या तैयारी है उधर, बिकॉज आप ग्लोबल केटर को केटर बहुत बड़े रूप में करते हैं और इंडिया में भी आएगी वो चीज़ें, उसमें आपने कुछ प्रोग्रेस की है, वहाँ क्या आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी? जहाँ हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो है ज़्यादातर बसेस, ट्रक्स, थिंग्स लाइक दैट. उसके अंदर में जब हम लोगों ने PKC 2 साल पहले खरीदा, तो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है टू मेक फॉर इलेक्ट्रिक दिस थिंग. सुमिटोमो सांग के पास भी सारी टेक्नोलॉजी है. सो टेक्नोलॉजी वाइज वी आर नॉट बिरेफ्ट ऑफ एनीथिंग, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल. बट आज की डेट के अंदर में लास्ट ईयर 102 million कार्स वर मेड. आप बताइए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी बनी? 8 लाख. कहाँ 10 करोड़, कहाँ 8 लाख. अब बहुत छोटे हैं. ये आपको लगता है बहुत आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है. हाँ जरूर जो चेंज है फ्यूचर के लिए है, हम लोग सब उसको सहदिल से अपना स्वीकार करते हैं. बट आप उसको रेट्रोफिट नहीं कर सकते. जैसे 20-30 साल पहले लोग पेट्रोल इंजन निकाल के डीजल इंजन लगा के कर देते थे, इलेक्ट्रिक कार आप रेट्रोफिट नहीं कर सकते. इट हैज टू बी न्यू टेक्नोलॉजी, टोटली न्यू व्हीकल. तो आप देख रहे हैं कि काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यूएस की, वो भी अभी स्ट्रगल कर रही हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल. और फिर अभी रिसोर्सेज के ऊपर में काफी वो है, बहुत सारे चर्चे हैं उसके अंदर में. जब वो क्लियर कर लेंगे व्हाई नॉट, अगर है एक्सेप्टेबल. पर एज अ कंपनी मदरसन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीजल लगाएं, पेट्रोल लगाएं, इलेक्ट्रिक लगाएं, हाइड्रोजन लगाएं, हमारे हम वी आर एग्नोस्टिक टू इट, हमारे को उससे कोई रिलेशनशिप नहीं. आपके इतने बिजनेसेस हैं, हम यही बात कर रहे थे कि लोगों को पता भी नहीं है कितने चीजों में आपने यू नो कंट्रीब्यूट करते हैं गाड़ियों में, गाड़ियों के बियॉन्ड भी मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक थिंग्स. कैसे आप ये डिसाइड करते हैं और कैसे ये सेग्रीगेट करेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट टू मैनी थिंग्स टू फोकस ऑन. तो कंसोलिडेशन को जहाँ तक देखेंगे, कैसे आप पहचानना चाहते हैं खुद को? हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि एक हमारे को ग्रो करना है. ग्रो करने से हम एक्चुअली पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को. वी क्रिएट जॉब्स, वी क्रिएट नीड फॉर पीपल टू बी एजुकेटेड एंड टू कम इन एंड मेक देयर लाइफ एंड फ्यूचर. तो करीब 25-30 साल पहले मेरे को चांस मिला, आई वॉन्ट टू गिव दैट चांस टू एवरीबॉडी. सो ऑल दीज पीपल हु कम इन, सब के सब, दे ऑल वॉन्ट टू डू समथिंग. हम लोग ये खाली कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, गो फॉर इट, जरूर ट्राई करिए, इसके अंदर करिए. हमारे पास जो हमारा जो बेसिक हाँ ज्योग्राफिकल एडवांटेज एंड इको सिस्टम जो हमारा है वो इतना स्ट्रांग है दैट वी कैन मेक एनी थिंग एंड एवरी थिंग पॉसिबल. सो In this situation, what is important for us is कि जो हमारे machinery है, plant है, geographical advantages हैं, उसको हम कैसे maximize कर सकते हैं. Medical devices भी है, उसके अंदर हम लोग medical devices में जा रहे हैं. We are not going into medicine, we are going into medical devices. So devices जो है और car products जो है वो similar है. So it is actually taking advantage of what we have. तो डिफेंस के अंदर में भी, एरोस्पेस के अंदर में भी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर से हम लोग उसका ज्यादा कुछ परसेंटेज है सर टू ब्रेक अप एंड से कि ये मेरा अभी तो 2020 तक तो हम लोग कहते हैं सीडिंग, वी आर ओनली पुटिंग द सीड्स.
2025 का जो हमारा 5-year प्रोग्राम आएगा उसके अंदर में हम परसेंटेज वगैरह सब बताएंगे आप. ब्रिलियंट. सो 2020 तक जो आपने $18 billion का बोला है, आर यू ऑन कोर्स? वी आर ऑन कोर्स. बेटर कर सकते हैं? बल्कि हम जल्दी कर सकते हैं. पर द थिंग इज, क्योंकि आप जितना डिसरप्शन बताएंगे मुझे कि आ रहा है, उतना ही हम जल्दी कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला तो हम लेके रहेंगे आपसे, ये तो मैजिक फॉर्मूला है. आई एम सो कॉन्फिडेंट. नहीं, वो इसलिए क्या है क्योंकि एक बड़ा भारी चेंज हो गया हम लोग के नाक के नीचे. हम लोग बहुत बड़ा चेंज हो गया. 40 साल पहले, 30 साल पहले 80% जो गाड़ी थी वो कार मेकर के फैक्ट्री में बनती थी, पार्ट्स वगैरह सब कुछ. आज की डेट में 15-20% ही बनती है. तो इसलिए कार मेकर को सप्लाई चेन जो है बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पार्ट नहीं आएगा तो उसकी पूरी गाड़ी नहीं बनेगी. तो इसलिए वो मैनेजमेंट जो सप्लाई चेन का है, उसके अंदर में अगर एक कंपनी बैंकरप्ट होगी, ही विल कॉल द पीपल हुम ही ट्रस्ट, चांद गो टेक दिस कंपनी. तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है उस टाइम के अंदर उस कंपनी को लेके, एंड देन वी गो अहेड विद दैट. इसलिए 21 हम लोगों ने जो एक्विजिशन किए हैं आज तक, सारे के सारे प्रभु कृपा से एकदम सक्सेसफुल रनिंग, वेरी वंडरफुल. एंड 21 एंड काउंटिंग. आई थिंक आपका तो द ग्रोथ स्ट्रेटजी हैज बीन, मतलब आपको 25 साल हुए हैं, 21 एक्विजिशन है, तो मतलब मोटा मोटी एक हर साल तो करा ही है. कैसे देख रहे हैं आगे भी, जब आप एक्विजिशन देखते हैं अभी भी, मतलब डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में इंडिया में अगर हम देखें, ग्लोबली भी, आपने लीमन ब्रदर्स की बात की, वो एक अच्छी टाइम थी कुछ एसेट्स उठाने की. अभी भी क्योंकि जो कार्नेज हम देख रहे हैं, तो उस ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी है. अभी हम लोगों ने एक साल पहले रेडल लिया, द होल मार्केट वाज सेइंग कि आप इतना सस्ता आपने कैसे ले लिया. तो ये लोगों के अंदर में वो है कि हम लोग सुबह उठ के कहते हैं सब, हमने ये कंपनी उठाने, हमने ये कंपनी उठाने. हम लोग के यहाँ पर ईगो नहीं है. हम लोग वेट करते हैं कि कार मेकर कब हमारे को फ़ोन करें, कब हमारे को डायरेक्शन दें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जल्दी करिए. और कहीं किसी कंट्री में है, किसी ज्योग्राफी में है, हमारे को कोई उससे, हम लोग घबराते नहीं. क्योंकि देखिए 1947 में इंडिया जो था करीब 500-600 जो किंगडम्स थी वो बन के इंडिया बनी. तो हमारे यहाँ पे 600 कल्चर तो वैसे ही है. तो और 40-50 हो जाएंगे तो क्या फर्क. तो क्या सेगमेंट्स क्या देख रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऑटोमोटिव, खाली ऑटोमोटिव. सो एक्विजिशन में आपकी स्ट्रेटजी हमेशा स्ट्रेट एंड सिंपल, ऑलवेज ऑन. देखिए हमारे तीन इंजन हैं ग्रोथ के. लोग सोचते हैं शायद हम खाली एक्विजिशन करते हैं. हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पार्ट्स को अपने आप, टेक्नोलॉजी को अपने आप डेवलप कर सकते हैं. ये हमारा पहला इंजन ग्रोथ का है. दूसरा इंजन जो है हमारे पास ग्रोथ का, वो है जॉइंट वेंचर्स. आज की डेट के अंदर में लोगों को एक जॉइंट वेंचर चलाने में दिक्कत आती है. वी हैव 34 जॉइंट वेंचर्स डूइंग वेरी वेल. और ये एक कंट्री से नहीं है कि भाई एक ही आदमी को पकड़ा, 9 डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली उनको रन कर रहे हैं. द थर्ड इज द इंजन ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन इंजन जो है, ये हम लोग उसी के साथ जाएंगे जब कार मेकर हमारे को कहेगा कि साहब आपने ये कंपनी उठानी. और उसके अंदर में भी अगर 100 हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई, तो हम खाली 5 ही खरीद पाए हैं आज तक का हमारा जो एवरेज है. वो इसलिए क्योंकि हर एक्विजिशन हमारे को लेना जरूरी नहीं. तो ये नहीं कि हमारे सर पे भूत सवार कि हमने 18 बिलियन करना है तो इससे हो जाएगा. नहीं, 18 बिलियन एट 40% रोस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे को दिखेगा तो हम लोग उसको करेंगे. अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा तो हम कितने ही छोड़ देते हैं, हमारे को क्या फर्क. आपकी जो ग्रोथ हमने पैटर्न देखे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं कि इसको ग्रो आगे भी करेंगे, मेरे को आप 2 या 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, 2020 तक जब आप पहुंचेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेगा, किस बिजनेस से आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा? देखिए हम लोग की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3CX15, इसका मतलब है एक कंट्री या एक कस्टमर और एक कंपोनेंट, हम मोर देन 15% अपने टर्नओवर में नहीं लेना चाहते. तो ये हम लोग नोइंगली ऐसा करते हैं. नोइंगली इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपने आप को नेचुरली डीरिस्क करते हैं. तो इसलिए अगर ये सोचे कि हम जो नॉर्मल आज के कंपोनेंट्स हैं उसी के अंदर में हम लोग जाएंगे, शायद ऐसा नहीं होगा. होगा भी तो बहुत कम सा होगा, बट कुछ नए वर्टिकल्स आएंगे.
इंडिया में क्यों आपने कम फोकस रखा है जहाँ ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है? आई नो आपने जैसे अभी कम हो गया 8%, हम बात कर रहे थे 13-11% होता था, एक और एक्विजिशन से कम हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फोर्स नहीं है आई थिंक, बट ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है ये। और इसके अंदर में एक और बहुत जरूरी चीज है, लोग सोचते हैं कि हम लोग का इंडिया में फोकस कम है, बहुत गलत सोचते हैं। इनफैक्ट इंडिया को अगर हम इग्नोर करें तो हम अपने रूट्स को इग्नोर करेंगे। तो हम लोग तो वी हैव ओवर 90 प्लांट्स इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, सब जगह में हम लोग, जहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे हम लोग का प्लांट्स हैं, और ऑलमोस्ट अबाउट 70,000 पीपल आर वर्किंग इन द होल ऑफ मदरसन। बट द रुपी डिवैल्यूएशन, कुछ क्वांटिटी जो क्वालिटी ऑफ द कार्स है दे आर ऑफ लोअर, दिस इज ए सेगमेंट, बी सेगमेंट की ज़्यादा है। अब बाहर जो है यू आर टॉकिंग ऑफ डी सेगमेंट, लक्जरी सेगमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वैल्यू के अंदर में काफ़ी डिफरेंशियल आ जाता है। तो इसलिए ये परसेंटेजेस जो है थोड़ी सी प्ले कर जाती हैं, बट इट इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, कोई ऐसा इंटेंट नहीं है, इंडिया में हमारा पूरा फोकस है। आप देख रहे हैं बढ़ सकता है इंडिया में बिजनेस, एकदम बढ़ेगा, जैसी गाड़ियां बढ़ेंगी हमारा शेयर भी बढ़ेगा। और डू यू हैव अ नंबर इन माइंड कितना तक इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट? हम लोग ऐसे स्ट्रेटजाइज नहीं करते, हम लोग वी प्ले इट बाय द, नाउ यू सप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी राइट, आई मीन अक्रॉस द ग्लोब, क्या क्लाइंट एडिशंस हुए हैं पिछले सालों में और कैसा देख रहे हैं आगे भी कोर्स, हाउ इज द ऑर्डर बुक लुकिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए हर 6 महीने हम आपको अपना ऑर्डर बुक का अपडेट देते हैं, और हर 6 महीने हम आपको अपने नए प्लांट्स का अपडेट देते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऑटो एंसिलरी है जिसने पिछले 3 साल में 21 प्लांट्स हम लोगों ने चालू किए, 21 प्लांट्स, और एक एक प्लांट जो है आप उसका साइज देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो ये सब ग्रोथ इंजन्स हैं जो हम लोग उसमें करते हैं। नाउ उसके अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो इंडिया के अंदर है, अमेरिका में है, मेक्सिको में है, हंगरी में है, यूरोप में है, जर्मनी में था, सब जगह है, तो चाइना में है, वी हैव नाउ 19 प्लांट्स इन चाइना, 19 प्लांट्स इन चाइना एंड ग्रोइंग। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट वी ट्राई टू पुट आर मनी कि जहाँ पे हमारे को मैक्सिमम नेम एंड रिटर्न्स मिले, सो दैट्स वेयर वी आर। कोई ऐसा मार्केट है जहां आप एंटर करना चाहते हैं अभी तक है नहीं? साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना रह गया था, वो भी हमने कवर कर लिया। सो ये क्लाइंट एडिशंस जो आपके हुए हैं कुछ, इज देयर एनी नंबर दैट यू कैन शेयर, एंड आल्सो द ऑर्डर बुक करेंटली? ऑर्डर बुक एट द मोमेंट द लास्ट रिपोर्टेड दिस थिंग वाज 17.2 बिलियन US इज द ऑर्डर बुक, व्हिच इज वेरी हेल्दी, इफ यू डिवाइड दैट बाय 5 इट्स 3 बिलियन ऑन द टॉप लाइन, तो इट्स अ वेरी दिस थिंग। एंड प्लस अगले जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर में हम लोग आपको अपने ऑर्डर बुक जो है उसको अपग्रेड कर देंगे, जो इसका लेटेस्ट वो होगा। न्यू टेक्नोलॉजीज वेयर वी हैव गॉन इनटू रोलिंग स्टॉक, दिस इज द ट्रेन्स एंड कोचेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके अंदर एक एक कोच की जो हार्नेस है वो सब हम लोग बनाते हैं, थैंक्स टू PKC, वी आर ग्रोइंग दैट बिजनेस, बहुत इंडिया के अंदर में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको। विल यू बिड फॉर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाले? हम बिड नहीं करते, हमारा कस्टमर बिड करता है, बट यू मेक, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो भी बहुत स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे जो ग्लोबली है, बट अभी इंडिया को बस रखते हैं नजर में, रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है मैसिवली, 74 लेवल्स ऑलरेडी देख रहे हैं, क्रूड बहुत बढ़ गया है, ये दो चीज़ों से हमने देखा इकोनॉमी या मार्केट्स पे बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा है, मार्केट्स नॉनस्टॉप मैसिव कार्नेज देख रहे हैं, वो फ्री फॉल पे है, कैसे आप ये डेवलपमेंट देखते हैं, व्हाट इज़ योर व्यू? शॉर्ट टर्म में कुछ तकलीफ आती है हम लोगों को जब रॉ मटेरियल्स या कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बिकॉज हम लोग का नेचुरल पास थ्रू है विद आवर कस्टमर्स, तो पास थ्रू के अंदर में 2-3 महीने का लैग होता है ज़्यादा, पर जब वो गिरता है तो हमारे को उसका एडवांटेज मिलता है, फिर 3 महीने हमारे एडवांटेज में होता है, तो ऑन द होल बराबर रहता है, कोई इतना ज्यादा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का आपको ज्यादा फर्क, और रुपी के अंदर में जो हम लोग की बाहर की टर्नओवर्स है दे विल ब्लो अप। कमर्शियल व्हीकल्स में भी क्योंकि आपका बड़ा बड़ा बिजनेस है एंड क्लास 1 एक्शन ट्रक्स US में, वहाँ पे हम कभी कभी देखते हैं उतार चढ़ाव चलता रहता है,
वहाँ से कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस? देखिए, मेरे लिए ट्रकिंग जो है बहुत ही एक्साइटिंग जगह है. वो इसलिए है, एक तो ऊपर वाली कृपा से जो हम लोगों ने टाइमिंग हमारे देखी जब हम लोगों ने ये एसेट्स लिए, उसके बाद में ट्रकिंग इंडस्ट्री एकदम सूझ करके ऊपर चला गया. आज की डेट में हमारे पास इतने सारे पार्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि हम ट्रकिंग इंडस्ट्री को कर सकते हैं. हम लोग के पास में जो हमारी टीम्स हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर विद द ट्रकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ट्राई एंड व्हाट मोर कैन वी सेल. तो ये उतार चढ़ाव जो थोड़ा सा ऊपर होता है नीचे होता है, वी डोंट वरी अबाउट इट. एकदम नहीं हम लोग उसके बारे में चिंता करते हैं. बढ़िया, एकदम ऐसे ही चलना चाहिए. ऐसे सीधा नहीं चलते. नहीं नहीं. एंड फाइनली सर, हमने देखा है कंपनी ने बड़ा अच्छा रिवॉर्ड किया था, अभी मैंने बोला बोनस में के हिसाब से भी, और डिविडेंड आपका हमेशा इन एक्सेस ऑफ 25%, जैसे आपने अभी पिछली बार भी बोला था. कैसे शेयर होल्डर्स शुड लुक आउट फॉर? नहीं, ये तो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है. स्टेटेड पॉलिसी है. आई थिंक 25 साल कंपनी की लिस्टिंग को, और अगर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं मिले तो ये तो बड़ी जास्ती होगी. तो इसलिए हम लोगों ने किया. बट वी आर वेरी वेरी शेयर होल्डर फ्रेंडली. अभी तक हम 10 बोनस दे चुके हैं. वी हैव नेवर मिस्ड अ डिविडेंड. इन द लीमन क्राइसिस ऑल्सो वी हैव अ रिकॉर्ड पे आउट विच वी डिड ओवर देयर एट दैट टाइम. आई थिंक जो हम लोगों की थिंकिंग है वो ये है कि जो चार मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस के, कस्टमर, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एंड द कोलैबोरेटर्स जिनके साथ में हम जॉइंट वेंचर्स हैं, ये चारों को खूब दे मस्ट फुली एंजॉय द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मदरसन. एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ वी कीप ये सारी चीजों का कल्चर आपने बड़ा अच्छा रखा है, हेल्दी, ट्रांसपेरेंट. हमारा 40% डिविडेंड पे आउट जो है हमारा इज पार्ट ऑफ आवर 18 बिलियन का जो टारगेट आप देखते हैं उसमें 18 बिलियन है, 40% रोस है, 40% डिविडेंड पे आउट एंड 3CX15. ये चार हम लोगों की स्टेटेड गोल्स है कि हम इन चार पे ही काम. और आप कह रहे हैं इतने उतार चढ़ाव, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी ये गोल स्टेटेड ही है. स्टेटेड है और अचीविंग है. वी आर अचीविंग इट. We've never diverted from that. But also, you know, the kind of job that my finance people and the whole team has done, we are a AAA rated company. Of course, aajkal log kafi ulta sochte hain, but as an auto bank, we are the only company which has a AAA rating. Finally, sir, challenges kya hai? Aap to sab itna aapne itne acche se bataya ki koi cheez hai jo perturb nahi kar rahi hai, aapko disturb nahi kar rahi hai to achieve your goal. But what is your biggest threat, if I were to ask you? क्या है जो आपकी इस गोल में बाधा आ सकती? जितने चैलेंज आएंगे उतने में हम लोग को उतना एक्साइटिंग होता है, उतनी अपॉर्चुनिटी होती है. तो चैलेंज जो है इट्स अ नेचुरल फॉर मदरसन. आप देखिए, 1975 में मदर एंड मी स्टार्टेड विद 1000 रुपीज. अब आप बताइए कितने चैलेंजेस हमने देखे. तो हम लोग को, हम डरते नहीं है. सर कॉपर गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें जो है, देयर इज नथिंग व्हिच इज अ हार्ड स्टॉप. ब्रेक्जिट का भी आपको कोई स्ट्रेस? नहीं, कोई फर्क नहीं. ब्रेक्जिट के अंदर में, या देखिए, एक महीना, दो महीना, एक क्वार्टर, तो आप कह रहे हैं वो ब्लिप भी अगर आएगा, बट यू विल ओवरकम इट. बट ये लार्जर गोल आप अचीव करेंगे. एक कोई कंट्री या एक कोई ज्योग्राफी या कोई इवेंट हमारे से, हमारे जो हार्डवर्क का हमारे को मुआवजा मिलेगा, जो भी जिसको क्या कहते हैं आप, the return for our hard work, वो छीन नहीं सकते. So it's okay, it's good, part of life. हम लोग खूब मजा लेते हैं जब ये हम लोग बोलते हैं ट्रेड वॉर है, ये है, वो है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप देखिए एकदम खत्म हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. अब इतना उसके अंदर में चल रहा था कि नाफ्टा का ये होगा, ये होगा, क्या हो जाएगा, आपकी इतनी फैक्ट्रीज हैं मेक्सिको में, अमेरिका में, आप कैसे करेंगे. जब वो हो गया तो लोगों को पता चला, अच्छा हो भी गया, ठीक हो गया. So it is all, you know, it's a part of the game, as you said. Wonderful. Thank you, Mrs. Sehgal. Lovely speaking with you. Thank you so much. All the very best. Thank you.